हेलो स्टूडेंट्स, आरसीए एजु हब के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लास्ट वीडियो में 7.5 की कुछ एग्जांपल्स देख रहे थे। उन एग्जांपल्स को हम नेक्स्ट यानी आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स आपके सामने है एग्जांपल नंबर 21। एग्जांपल है इफ़ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो आपको प्रूफ करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई की पावर 5 इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सीधा सीधा आपको क्लियरली दिख रहा है, इस क्वेश्चन में आप dy बाई dx निकालोगे जो कि क्या है आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है। यहाँ से dy बाई dx निकालोगे और उसका फिर से आप डेरिवेटिव करोगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर आएगा। अगर कहीं पे जरूरत पड़ती है तो dy बाई dx की वैल्यू यहाँ से आप निकाल करके उसमें रख देंगे, तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जिसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे टेकिंग डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि डिवाइड बाई dx निकालना है, तो टेकिंग डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर इंटू प्लस में 3y स्क्वायर इंटू dy बाई dx प्लस में 3a इंटू 2x इज इक्वल टू 0, ये बन गया है। अब आपको पता है dy बाई dx निकालने के लिए स्टूडेंट्स dy बाई dx वाला टर्म है उनको एक साइड में करते हैं और बाकी टर्म्स को हम दूसरी साइड में ले जाते हैं, तो इस टर्म को केवल इधर रख लेंगे, बाकियों को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो 3y स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 6ax और यहाँ पे माइनस का 3x स्क्वायर, ये बन जाएगा यहाँ पे। अब देखो ये 3y स्क्वायर है उसको उधर ले जाएंगे तो हमें dy बाई dx की वैल्यू मिल जाएगी, और वो वैल्यू क्या है, दोनों में से माइनस कॉमन है माइनस 3 हम बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2ax प्लस यहाँ पे x बच गया है और डिवाइड में यहाँ पे 3y स्क्वायर है, तो 3 से आपका 3 कैंसिल हो गया है। ये इक्वेशन नंबर हम 2 दे सकते हैं क्योंकि dy बाई dx की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब क्या करेंगे, इसका दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि d2y अपॉन dx स्क्वायर हमें यहाँ पे निकालना है, तो टेकिंग डेरिवेटिव यानी कि अगेन टेकिंग डेरिवेटिव डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे देखो दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका डिवाइड में है यू बाई वी वाला फॉर्म है, तो उस तरीके से इसका हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो यू बाई वी वाले फॉर्म का डेरिवेटिव कैसे होता है, इस माइनस को तो हम कम्प्लीटली बाहर निकाल सकते हैं, तो माइनस को तो हमने पहले ही बाहर ले लिया है। अब ये जो है इसका स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है, ऊपर देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले y स्क्वायर इंटू इस यानी कि इसका डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ 2ax प्लस x हो जाएगा आपका, सॉरी यहां पे x नहीं x स्क्वायर चल रहा है, तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर से यहां पे माइनस और अब 2ax प्लस x स्क्वायर इंटू d बाई डी एक्स ऑफ y स्क्वायर हो जाएगा, तो ये निकल जाएगा आपका। इसको हम अब कैलकुलेट करेंगे सोल्व करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस बाहरी चल रहा है वाई स्क्वायर इंटू यहाँ पे देखो 2ax का 2a हो जाएगा, 2a इंटू में प्लस 2x माइनस यहाँ पे देखो ये तो सेम ही है 2ax प्लस एक्स स्क्वायर इंटू देखो वाई स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा 2y इंटू dy बाई dx ये निकल गया है, और डिवाइड में क्या चल रहा है यहाँ पे, वो चल रहा है आपका y की पावर 4। अब इस y की पावर 4 को हम बाहर ले सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे y की पावर 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे भी देखो y स्क्वायर है और इधर क्या है y है, तो आप y को भी आप कॉमन ले सकते हो, उसके अलावा यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से
भी टू बाहर आ जाएगा, तो ऊपर से तो क्या ले सकते हैं, टू वाई बाहर और नीचे वाई फोर, तो कॉमन ले लेंगे, तो माइनस टू वाई अपॉन वाई की पावर फोर। अंदर क्या बच गया अब आपका, वो देखो यहाँ पे तो वाई बच गया है, तो ये लीजिए आप वाई इंटू टू, बाहर चला गया ए प्लस एक्स माइनस यहाँ पे टू ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टू वाई आपका बाहर गया है, तो डी वाई बाई डी एक्स हम ले सकते हैं। तो ये बन गया है, बड़ा ब्रैकेट ले लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि छोटा अंदर हमने ऑलरेडी यूज कर रखा है, और बाहर चलो ये बन गया है। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ हमें जो करना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू होनी चाहिए, जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इन है इसमें, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो टू थी ये रही, इस इक्वेशन से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू वहाँ पे रख देंगे, ताकि डी वाई बाई डी एक्स की जो वो टर्म है वो गायब हो जाए, उसको गायब करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू रख देंगे। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में एक वाई से एक वाई कैंसिल हो गया, तो माइनस टू अपॉन वाई की पावर थ्री ये बन गया है, यहाँ पे वाई इंटू ए प्लस एक्स और यहाँ पे माइनस टू ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में क्या है आपका डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की तो वैल्यू रखनी थी हमें, तो ये वैल्यू क्या है आपकी, ये माइनस का है, तो माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस टू ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर ये है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो डिवाइड में आपका कुछ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे वन ले सकते हैं, और अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका और इसका, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे वाई क्यूब हो जाएगा आपका। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो ये माइनस आपका इसको प्लस कर देगा, ये माइनस है यहाँ पे, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस टू अपॉन वाई क्यूब और यहाँ पे जो है आपका वाई क्यूब इंटू ए प्लस एक्स माइनस में ये देखो टू ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी टू ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसको पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे टू ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये यहाँ पे प्लस हो गया था, डिवाइड में आपके पास क्या बच जाएगा वाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये आ गया है। अब इसके बाद में भी देखो कि अभी भी सोल्व नहीं हो रहा है यहाँ पे, अगर इसको हम कैलकुलेट भी करेंगे तो ये वाला टर्म अभी भी नहीं आएगा, क्योंकि नीचे तो वाई फाइव आ गया है, बाहर आपका टू भी आ गया है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ होगी। तो यहाँ पे देखो वाई क्यूब है और इसमें हमारे पास कहीं पे भी ऊपर वाई क्यूब नहीं है, इसका मतलब हमें इस वाई क्यूब की वैल्यू रखनी पड़ेगी। इस वाई क्यूब की वैल्यू क्या हो सकती है, कहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्स के टर्म में ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहाँ पे वाई क्यूब है, तो हम यहाँ से वैल्यू रख सकते हैं, तो यहाँ पे देखो वाई क्यूब की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या जाएगी आपकी माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ये वैल्यू हम रख सकते हैं वाई क्यूब की यहाँ पे, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और फिर इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो माइनस टू अपॉन वाई टू और थ्री क्या हो जाएगा वाई की पावर फाइव इंटू यहाँ पे माइनस तो हमने कॉमन ले लिया है थ्री ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ये सॉरी प्लस हो जाएगा माइनस जब बाहर आएगा, तो ये इनटू में ए प्लस एक्स और प्लस में ये बन गया है आपका। तो इसका हम स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, तो स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा ये टर्म फोर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फोर प्लस में फोर ए एक्स क्यूब ये बन जाएगा इसका, और नीचे वाला ये बाहर आ ही गया है। अब इसको मल्टीप्लाई करके और कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो माइनस टू अपॉन वाई की पावर फाइव इंटू में देखो ये माइनस है तो बाहर ले लेंगे माइनस को, तो हम तो इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये इसको इससे करेंगे तो थ्री ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब इसको इससे भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का थ्री ए एक्स क्यूब प्लस में ए एक्स क्यूब और प्लस में एक्स की पावर फोर ये बन गया है। अब आगे देखो ये जो सोल्व किया हुआ था वो तो है ही, प्लस में फोर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फोर और प्लस में फोर ए एक्स क्यूब, यहाँ पे देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देंगे यहाँ पर,
यहाँ तक ये क्या था, ब्रेकेट चल रहा था आपका, तो ये सारे नेगेटिव हैं और ये वाले इससे आगे के वाले जो हैं वो पॉजिटिव हैं, सॉरी यहाँ तक नहीं, चार टर्म, एक दो तीन और चार, यहाँ तक ये नेगेटिव हैं और बाकी पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पे देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको तो कैंसिल कर देंगे, ये पार्ट तो ये पार्ट, क्योंकि ये बाहर माइनस है इस वजह से कैंसिल हो जाएगा। बाकी कौन सा पार्ट इनमें कैंसिल होगा वो हम देख लेते हैं, 3ax³, यहाँ पे 4ax³ है, 3 और 1 ये रहा, 4ax³ माइनस का है, 4ax³ प्लस का है, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3a², चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, माइनस जो वैल्यू चल रही है वो किसकी चल रही है, d2y/dx² की, यहाँ पे आपका -2/y⁵, ये बाहर चल रहा है और अंदर जो चल रहा है आपका ये माइनस का, तो 3a²x² बच गया, और यहाँ पे प्लस का 4a²x² बच गया है आपका। तो ये दोनों देखो सेम ही है, तो ये कितना बच गया आएगा, a²x², तो d2y/dx² = क्या बच जाएगा, ये किसका बचेगा, देखो ये आपका जो है वो बचेगा प्लस का, तो माइनस बाहर है, 2/y⁵, और यहाँ पे a²x² बच गया है। अब देखो इसको हम अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो गया, वैसे तो इसको यहीं पे लिख सकते हैं a²x² को, अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो देखो क्या होगा, d2y/dx² ये माइनस है तो इधर प्लस में आ जाएगा, 2a²x² / y⁵। तो यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, जो हमें प्रूफ करना था वो वैल्यू यहाँ पे आ गई है हमारे पास, इसका मतलब जो इस क्वेश्चन का प्रूफ है वो यहाँ पे आ गया है और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन होने की वजह से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गया है एग्जाम के लिए, यानी कि इससे चैप्टर से आपका एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और वो 6 मार्क्स का सीधा एक ही क्वेश्चन पूछता है, तो इसको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा स्टूडेंट्स।